दुनिया का सबसे पहला आईपीओ द डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1602 में इशू किया था। इस कंपनी को मुगल इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए 1602 में ही स्टार्ट किया गया था। और जब भी आईपीओ इशू हुआ उस वक्त कंपनी के पास कोई ऑफिस तक नहीं था, तो सारे इन्वेस्टर्स को कंपनी के कोफाउंडर के घर पैसे जमा करने जाना पड़ा। और एक बार पैसा जमा करने के बाद उसे वापस निकालना काफी मुश्किल था, क्योंकि इन शेयर्स को बेचने के लिए लोगों को 10 साल यानी कि 1612 तक इंतजार करना था, जब कंपनी एक बैलेंस शीट रिलीज करती, जिससे लोगों को ये भी पता लगता कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, और उस वक्त उन्हें शेयर्स बेचने का मौका दिया जाता। पर इस कंपनी को डच गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर करा था, इसलिए लोगों के मन में एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी थी। और 1143 लोगों ने मिलकर 64 लाख गिल्डर्स से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट कर दिया। इन पैसों से कंपनी ने आर्मी और बड़े बड़े फोर्ट्स बना लिए और फॉरेन रूलर्स के साथ ट्रीटी कर करके आने वाले कुछ सालों में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई।